नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंडरकवर स्टोरीज एपिसोड नंबर 3 में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा या फिर इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल मत देखिए। रात के तकरीबन 11 बजे जब व्हाट्सएप पे चैट चल रही थी, सामने से मैसेज आता है, जान मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। और जब वो अपने मोबाइल पे इस मैसेज को पढ़ता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। कितने महीनों से वो इस लेवल तक आने की ही तो इंतजार कर रहा था कि उनका रिश्ता कब इस लेवल पे आए, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि रिप्लाई क्या करे। सामने से फिर मैसेज आता है, जान मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं, प्लीज बताओ ना मुझे क्या करना है। वो फिर से मैसेज को पढ़ता है, कोई रिप्लाई नहीं दे पाता। फिर तीसरा मैसेज आता है कि जान बोलो ना, क्या मुझे धर्म बदल के हिंदू बनना है, मुझे क्या करना है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। वो फिर से मैसेज को पढ़ता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे पाता। फिर सामने से मैसेज आता है कि जान मेरा यकीन करो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं, बताओ मुझे क्या करना है। और वो उस मैसेज को पढ़ के सोचता है कि मैं कैसे बोलूं कि जान ये चाहता है कि तुम अपने भाईजान की जासूसी करो। अंडरकवर स्टोरीज एपिसोड नंबर 3 अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अंडरकवर स्टोरीज के एपिसोड नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 80, जी हां 80, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, 80 अंडरकवर एजेंट्स ने दिल्ली को फटने से बचा लिया। दिल्ली एयरपोर्ट, साउथ एक्स मार्केट, अंसल प्लाजा मॉल, वसंत कुंज मॉल, 4 जगहों की रेकी हुई थी। अफगानिस्तान से आईएसआईएस का आतंकवादी दिल्ली आया था, लाजपत नगर में रुकवाया गया था उसको। और 2017 मैनचेस्टर ब्लास्ट, जी हां 2017 मैनचेस्टर ब्लास्ट के तर्ज पे उसने एक्सप्लोजिव मांगे थे पेट पे बांध के फटने के लिए, उसको वो चीजें दी गई और रंगे हाथों गिरफ्तार करके US मिलिट्री बेस कैंप अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। अंडरकवर स्टोरीज एपिसोड नंबर 2 में मैंने आपको बताई थी कहानी ए, बी और सी, तीन दोस्तों की। ए और बी भारत देश के सामान्य बेटे, आम बेटे, और सी लश्कर का आतंकवादी। वो तीनों घनिष्ठ मित्र थे, एक साथ रुकते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाना पीना और तो और एक ही पलंग पे, एक ही बिस्तर पे सोना। सुरक्षा एजेंसियों के सानिध्य में आईबी, एमआई, रॉ, बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज के गाइडेंस में ए और बी ने बहुत अच्छे से काम करते हुए सी को निजामुद्दीन स्टेशन पे एक्सप्लोजिव के साथ में पकड़वाया था। सी बहन के बहाने घर ढूंढ रहा था और बहन आ रही थी दिल्ली को दहलाने 15 अगस्त पे, 2001 की बात है, आपको याद होगा। आज मैं आपको बताऊंगा अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार निशाने पे था, निशाने पे थी दिल्ली 26 जनवरी, निशाने पे थे फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि दिल्ली में मुख्य अतिथि होने वाले थे, और निशाने पे थे आईबी के डायरेक्टर आसिम इब्राहिम जो कि बाद में मोदी जी के एंटी टेरर स्पेशल कॉन्वॉय में भी शामिल हुए हैं। बहुत बड़ा दिल दहलाने वाला ऐसा हादसा, ऐसा आतंकी हमला जो हिंदुस्तान को हिला देता। अर्ध कुंभ में लाखों लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु आते हैं, संत समाज आता है, नागा साधु आते हैं, अलग अलग पीठों से, मठों से सारा का सारा संत समाज वहां पे जमा होता है। ट्रेनें भर भर के जाती हैं हिंदू श्रद्धालुओं के हरिद्वार में, वहां पे ब्लास्ट की बहुत बड़ी योजना। जी हां, चैट चलती है रात को 11 बजे, सामने से मैसेज आता है, जान मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। और वो सोचता है कि मैं कैसे बोलूं कि जान चाहता है तुम भाई जान की जासूसी करो। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2-3 महीने ए ने, यहां किरदार फिर से एजेंट ए बोलूंगा मैं जो कहानी का मुख्य किरदार है, एजेंट ए ने अपने इस घनिष्ठ मित्र को, जिसको हम नाम देंगे हूर, और एजेंट ए ने हूर से घनिष्ठता बनाने के लिए बहुत समय खपाया था।
दो तीन महीनों के प्रयास के बाद में अब वो नौबत आई थी कि जब हूर के साथ में देर रात तक बातें होने लगी थी, देर रात तक चैटिंग होने लगी थी और देर रात तक ये लेवल आ गया था कि जान मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। ए के दिमाग में सामने तारीख थी, कैलेंडर था, क्योंकि ए को पता चला था अपने गुरु, अब मैं गुरु का यहां पे नाम दूंगा जो कि सबके गुरु हैं, संसार के गुरु हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, तो मैं उनको कृष्णा सर बोलूंगा। कृष्णा सर से इंफॉर्मेशन आई थी, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर में ये एजेंट ए काम कर रहा था। एजेंट ए के सामने समय बहुत कम था, काम बहुत बड़ा था। उसने हूर को कॉन्फिडेंस में लिया, कॉन्फिडेंस में लेने के बाद में धीरे धीरे जब वो और घनिष्ठ हुए, काफी ज्यादा उनका मिलना जुलना हो गया, काफी ज्यादा उनकी अनौपचारिक बातें होने लगी, काफी ज्यादा घनिष्ठता हर लेवल पे हो गई, तब ए ने हूर को बोला कि हूर ये एक छोटी सी चीज है, इसको बहुत सावधानी से अपने भाईजान के वॉलेट में, उनके बटुए में रख देना और इस तरह से रखना कि उन्हें इसका बिल्कुल भी पता ना चले। हूर को बहुत शॉक लगा। हूर ने सोचा था कि ए कोई ऐसी बात कहेगा जो कि बहुत रोमांटिक होगी, जो कि बहुत इस तरह की होगी कि जो अमूमन युवाओं के बीच में एक लड़का लड़की के जब संबंध बनने शुरू होते हैं तब जब लड़का कोई डिमांड करता है लड़की से, हूर वो एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन हूर को एकदम झटका लगता है कि ये ए ने क्या मांगा। हूर उसकी तरफ देखती है, ए आंखें झुकाते हुए पलकें झपकते हुए कहता है कि प्यार करती हो और कहती हो ना, जो आप कहोगे मैं करूंगी, मेरे कहने पे इतना कर दो। नाम देंगे हम हूर के भाई का T1, टेररिस्ट 1, और उसके बाकी साथी T2, T3, T4, चार लड़के, चार आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी, IM से ताल्लुक रखने वाले, जिनके निशाने पे थी दिल्ली, जिनके निशाने पे था हरिद्वार, जिनके निशाने पे थे फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनके निशाने पे थे देश के आम नागरिक, और सबसे बड़ी बात अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार उनके टारगेट पे था। समय बहुत कम था ए के पास में। ए ने हूर को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया, ए के साथ में जितनी उसकी घनिष्ठता थी उस घनिष्ठता को भुनाते हुए ए ने जो कृष्णा सर से गाइडेंस मिलती थी वो हूर के ऊपर अप्लाई करके पूरी सर्विलेंस T1, T2, T3, T4 तक धीरे धीरे पहुंचा दी। हूर और ए की घनिष्ठता परी को थोड़ी सी अखरने लगी। अब आप कहेंगे ये परी कौन है? परी एजेंट ए की बहुत घनिष्ठ मित्र, बहुत घनिष्ठ, हूर से भी ज्यादा। और मजे की बात यह है कि परी, हूर और एजेंट ए एक दफ्तर में काम करते थे। ए ने परी के माध्यम से हूर को उसी ऑफिस में जॉब दिलवाई थी। कृष्णा सर का जब इनपुट आया था कि ये T1, T2, T3, T4 कुछ इस तरह के लड़के सर्विलेंस पे डालने हैं, इनको लेकर के पूरे इनपुट्स मिले हैं कि ये एक बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं, तो परी जो उस ऑफिस में HR का काम संभालती थी और वहां पे रिसेप्शनिस्ट की अभी जगह खाली थी, तो वहां एक बायोडाटा सरकवाया जाता है जो कि प्लांटेड होता है और वो बायोडाटा हूर का था। जब हूर का बायोडाटा आता है तब ए परी के साथ में जो उसके संबंध होते हैं, जो घनिष्ठता होती है, जो उनका एकदम करीबीपन होता है, उसको कैश करते हुए परी को बोलता है कि इस पोस्ट के लिए कोशिश करके हूर को सेलेक्ट करो। और परी ए के प्यार में ना नहीं कर सकती थी, परी ने ए के प्यार में हूर को पास किया। लेकिन अब ए और हूर की निकटता थोड़ी सी परी को खटकने लगी थी। ए को भी इस बात का आभास हो गया था, ए को यह भी समझ में आ गया था कि अगर परी इस वक्त पे बिदक गई तो ए जिस मकसद से यह सब कुछ कर रहा है वो पूरा का पूरा मकसद पिट जाएगा। ए ने अपने गुरु कृष्णा सर से बात की। कृष्णा सर ने बोला समय कम है, इनके टारगेट पे हरिद्वार है, जो वहां पे सर्विलेंस कराया गया था उससे पूरी पूरी इंफॉर्मेशन सीधे कृष्णा सर के पास जाती थी, क्योंकि वो सारे इक्विपमेंट्स ऑफिशियली भारत की खुफिया एजेंसी के लोगों के पास में होते हैं। हमारे असली जो अंडरकवर हीरोज हैं, हमारे जो असली अंडरकवर
गुमनाम हीरोज हैं उनके पास भी होते हैं, तो उसके माध्यम से वहां पे सारी जानकारियां जानी शुरू हो गई थी। उनके फोन से लगातार सीरिया के नंबर पे बात होती थी, उनके फोन पे लगातार कुछ वेबसाइट्स निकाली जाती थी, उनके कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर में वेबसाइट्स निकाली जाती थी, और वो वेबसाइट थी बम कैसे बनाए जाते हैं, बम कैसे धमाके किए जाते हैं, एक्सप्लोजिव बनाने की वेबसाइटों को देखने के बाद में वो लोग रात को देर देर रात तक सोया करते थे। कमोबेश ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही, और उसके बाद में एक तरफ जब वो बम बनाने की प्रक्रिया देखते थे, दूसरी तरफ वो लोग सर्च किया करते थे अर्धकुंभ हरिद्वार के बारे में, अर्धकुंभ का पूरा शेड्यूल सर्च किया करते थे, कौन कौन सी ट्रेनें वहां पे स्पेशल चलाई जा रही थी, कौन कौन सी ट्रेनें कौन कौन से बड़े स्टेशन से आने वाली थी, कौन कौन से अखाड़ों के, कौन कौन से मठों के, कौन कौन से संत समाज वहां पे आने वाले थे, ये भी उनके नंबर से सर्च किया जाता था। एजेंसीज के पास एक एक पल की खबर जा रही थी। तो कृष्णा सर ने ए को सचेत कर दिया था, तुम्हारे पास में समय बहुत कम है, इनको किसी तरह से हरिद्वार लेकर के जाना होगा, जो कि वो लोग ऑब्वियसली खुद भी जाने वाले थे, लेकिन हरिद्वार में उनके ऊपर में वॉच कैसी रखी जाए। तब ए ने बोला कि सर ये काम भी मैं कर दूंगा, क्योंकि उस ए की एक बहुत घनिष्ठ मित्र वहां भी थी, उत्तराखंड में भी थी। ए ने अपने उस मित्र से संपर्क किया, उसको हम नाम देंगे एंजल। ए ने एंजल से बात की, एंजल को ऑब्वियसली किसी को भी एक कुछ बताता नहीं था, वो तो नॉर्मल बात करता था, जैसे प्यार में बातें होती हैं, जैसे घनिष्ठ रिश्तों में बातें होती हैं, एंजल से भी बिल्कुल वैसी बात चलती रही। एंजल से बहुत दिनों के बाद में बात हुई थी, बहुत लंबी बात हुई, सब कुछ हुआ, और बातों ही बातों में ए ने बोला कि मेरे कुछ साथी वहां पे आना चाहते हैं, तो तुम्हारा चूंकि टूरिज्म का सारा काम है और वहां पे आप लोग के रिजोर्ट वगैरह है, तो क्या मेरे दोस्तों को आप रुकवा लोगी? ऑब्वियसली एंजल कैसे मना करती, प्यार जो है, प्यार है ना, प्यार में तो नाम होता नहीं है। तो एंजल ने कहा कहने की बात है, आप जैसा कहोगे सब कुछ वैसा हो जाएगा। ए ने उससे पहले ये बोला कि मेरे दो तीन दोस्त हैं जिनको कि होटल मैनेजमेंट का कुछ कोर्स कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग करनी है, इनको कुछ सैलरी मत देना, बस इनको अपने यहां पे रख लो, इनको अपने रिसोर्ट में रख लो, और जो भी ये लोग काम करें, अगर बावर्ची का काम करना चाहे बावर्ची का कर लेंगे, रूम सर्विस का करना चाहे रूम सर्विस का कर लेंगे, इनको हर तरह के काम करने दो, और ये मेरे बिल्कुल छोटे भाई के जैसे हैं। ए ने एंजल के यहां पे अपने तीन बंदे ट्रेनिंग के नाम पे सेट करवाए, वो कृष्णा सर के बंदे थे, वो खुफिया अंडरकवर हीरोज थे, उनको वहां पे ट्रेनिंग के नाम पे पहले भेजा, और जब बाद में हूर के जरिए T1, T2, T3, T4 की बाकी बातें ए तक आती थी और ए कृष्णा सर को बताता था, जब वो लोग वहां चले गए और वहां जाने के बाद में उनकी बातचीत सीरिया के नंबर पे ज्यादा होने लगी, अर्धकुंभ मेले को लेके सर्चिस बढ़ने लगी, समय निकट आने लगा, ऊपर से 26 जनवरी का समय आ रहा था, फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होने वाले थे, सुरक्षा एजेंसियों के पैरों से जमीन निकल गई जब उनके नंबर से सर्च हुआ 26 जनवरी चीफ गेस्ट, जब उनके नंबर से 26 जनवरी की पूरी सिक्योरिटी को लेकर के सर्चिस शुरू हुई, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस देखने शुरू किए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे में क्या क्या होता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितने लेयर्स की होती है, 26 जनवरी की परेड में कितने लेयर्स की कहां कहां पे सुरक्षाएं होती हैं, ये सारी चीजें जब उनकी सर्च के बटन्स पे आने लगी, वो जो भी उनकी एक एक सांस सुरक्षा एजेंसियों के पास में सीधे जा रही थी, वो जो कुछ करते थे सुरक्षा एजेंसियों की निगाह उसके ऊपर थी। ए ने अपनी तरफ से सारा काम कर दिया था जो वो कर सकता था अपनी घनिष्ठ मित्रों के माध्यम से, फिर वो परी हो, वो हूर हो, वो एंजेल हो, और उसके बाद में हमारी सुरक्षा एजेंसी के जवान, हमारे असली जो खुफिया हीरो हैं, असली जो गुमनाम हीरोज हैं, उन्होंने जब सारी चीजें देखी और हरिद्वार में एक दिन T1, T2, T3, T4 से मिलने के लिए जब रिसोर्ट में एक T5 आने वाला था कुछ सामान लेकर के, तभी उन तीनों ट्रेनिंग करने वाले अंडरकवर हीरोज ने और उनके साथ में बाकी फोर्सेस ने उनको वहां पे रंगे हाथों धर दबोचा, और उसके बाद में पूरी साजिश का खुलासा हुआ है, और यहां तक पता चला कि आसिम इब्राहिम जो आईबी के डायरेक्टर थे 2 वर्षों तक, और जब ये हमले की प्लानिंग कर रहे थे उस वक्त पे आसिम इब्राहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एंटी टेरर एनवॉय में शामिल थे। जी हां, 2 साल तक
आईबी के डायरेक्टर रहे और उसके बाद में प्रधानमंत्री की स्पेशल टीम में वो कार्यरत थे। आसिफ इब्राहिम भी उनके निशाने पे थे, ऐसा सूत्रों के द्वारा बाद में बताया गया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। अगर ये हमला हो जाता, अगर ट्रेन में धमाके हो जाते, अगर साधु संतों की हत्या हो जाती, अगर कुछ हिंदू वहां पे मारे जाते, पूरे देश में एक कम्युनल ये आग भी लग सकती थी। अगर दिल्ली में कोई हादसा हो जाता और अगर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में कुछ हो जाता तो ये एक ग्लोबल लेवल में भी बहुत बड़ा आतंकी हमला माना जाता। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले को होने से रोक लिया। वो T1, T2, T3, T4, T5 पकड़े गए। और मैं आपको एक बात यहां पे बताना चाहता हूं कि जो एजेंट ए था वो किसी एजेंसी के लिए काम नहीं करता था, ना वो रॉ में था, ना वो आईबी में था, ना वो एमआई में था, ना ही वो भारत देश की किसी भी सुरक्षा तंत्र में आधिकारिक रूप से काम करता था। लेकिन हां, अंडरकवर स्टोरीज एपिसोड नंबर 2 में आपको याद होगा जब ए निजामुद्दीन पे सी को पकड़वाने से पहले 2 रातों तक हमारे खुफिया विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ में था, उन बड़े अधिकारियों में थे कृष्णा सर। और कृष्णा सर ने निजामुद्दीन पे सी के पकड़े जाने के बाद में जब ए और बी को शाबाशी दी, आशीर्वाद दिया, तब उनको बोला कि आप लोग क्यों नहीं ये ज्वाइन कर लेते, आप लोग देश की खुफिया एजेंसी को ज्वाइन करो, बहुत अच्छा काम करते हो। तब ए ने, ए की उम्र बहुत कम थी उस समय, लेकिन ए ने कृष्णा सर को एक बात बोली कि सर, जब कभी भी भगवान ना करे आप जिस फील्ड में काम करते हैं अगर उसमें आप लोग पकड़े जाते हैं तो सरकार क्या बोलती है कि इससे हमारा कोई नाता नहीं है, हम इसको नहीं जानते। तो सर, जब सरकार का नाता ही नहीं होना है भविष्य में तो सिर्फ नाम के लिए किसी विभाग को क्यों ज्वाइन करना। हां, आपके साथ काम करके, आपकी गाइडेंस में काम करके बहुत अच्छा लगा, और अगर आप चाहें तो हम लोग पूरी जिंदगी आपके लिए काम करेंगे, आप हमें प्रोजेक्ट या टास्क या जो भी कहें आप हमें केसेस देते रहिए और हमें गाइड करते रहिए, जो हम कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। कृष्णा सर मुस्कुराए और एक वचन लिया ए और बी से, जब तक इस धरती पे ए तुम, बी तुम और मैं कृष्णा, मैं नाम कृष्णा ही रखूंगा अभी भी उनका। तो कृष्णा सर ने कहा था कि ए तुम, बी तुम और मैं कृष्णा, जब तक हम तीनों में से एक भी शख्स जिंदा रहेगा तब तक हमारे रिश्तों के बारे में तुम लोग मेरे लिए काम करते हो ये दुनिया में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे सगे माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे सगे भाई बहन ही क्यों ना हो, कल को तुम्हारी शादी हो तो चाहे वो तुम्हारी बीवी ही क्यों ना हो, तुम्हारे बच्चे ही क्यों ना हो, और जब तक अगर तुम बूढ़े भी हो जाओ तो तुम्हारे नाती पोते भी क्यों ना हो, किसी को ये चीज मालूम नहीं चलनी चाहिए जब तक हम तीनों में से एक भी इंसान जिंदा रहेगा। उसके बाद ए और बी ने कृष्णा सर की गाइडेंस में कई सारे ऑपरेशन किए। ए ने कृष्णा सर से बहुत कुछ सीखा था, ए ने कृष्णा सर से सीखा था कैसे अपने एजेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे ए और बी को बिल्कुल बच्चे की तरह कृष्णा सर ने एक तरह से अपने हाथों में पाल के बड़ा किया और इस फील्ड में एस्टेब्लिश किया, उसी तरह से ए ने और बी ने अपने अपने आगे अंडरकवर एजेंट्स बनाए थे। लेकिन ए की सबसे बड़ी एजेंट साबित हुई ए की 50 के करीब गर्लफ्रेंड्स, ए की 50 के करीब घनिष्ठ फीमेल फ्रेंड्स, उनकी महिला मित्र जो कि हिंदुस्तान के अलग 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 शहरों में थी। इस तरह से हमारे गुमनाम हीरोज ने एक बार फिर देश को दहलने से बचा लिया। अंडरकवर स्टोरीज में मैं आपको हमेशा कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे किस्से बताता रहूंगा जो अगर हो जाते तो बहुत बड़े बम धमाके हो जाते। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बम धमाके होने के बाद में टीवी चैनल्स पे खबरें आती हैं कि यहां बम फटा, वहां बम फटा, यहां आतंकवादी हमला हुआ, वहां आतंकवादी हमला हुआ, इतने लोग मर गए, इतने लोग जख्मी हैं, जख्मियों को इस अस्पताल में ले गए, जो मर गए उनको वहां पे ले गए, और सरकार ने किसको कितनी धनराशि दी, ये खबरें हम टीवी के पर्दों पे देखते हैं। लेकिन जो बम धमाके होने से बच गए, जो हमारे गुमनाम हीरोज ने बचा लिए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जितना कैमरे पे बोलना उचित है सिर्फ उतना मैं आपको इस सीरीज में बताता रहूंगा। आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता दीजिए कि क्या हर महीने
ये एक एपिसोड कंटिन्यू करें, और जब इसको रोकना हो आप वो भी बता दीजिएगा। आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद ही हम अगली स्टोरी आप तक लेकर के आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। नमन करिएगा गुमनाम हीरोज के चरणों में, मेरी आपसे इतनी ही विनती है। जय श्री राम। हर हर महादेव।